नमस्कार, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल्डन कॉइन यानी सुनहरा सिक्का। तो बनाते हैं गोल्डन कॉइन और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये राउंड शेप में काटी गई ब्रेड है, बस एक कटोरी लेनी है कोई भी टाइप की और उसे दबा देना है तो राउंड शेप में यह कट जाएंगी। तो ये मैंने 6 स्लाइस ली हैं, इनको काट लिया है। 2 मीडियम आकार के मैश किए हुए उबले हुए आलू हैं, काली मिर्च है जिसे बारीक पीसा हुआ है, चीज़ का एक टुकड़ा, हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, एक अदरक का एक टुकड़ा, मेयोनीज का सूखा मसाला और यह मैदा है जिसे हमने थोड़ा सा पानी लेकर घोला हुआ है, यानी 2 चम्मच मैदा लिया और इसे घोला हुआ है। अब सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेकर उसमें हींग डाली है चुटकी भर, प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, इन्हें हल्का ब्राउन करना है। अब इसके अंदर मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, मिलाएंगे, मसाले मिक्स करेंगे, नमक 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हरा धनिया मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर चलाएंगे जिससे कि मसाले सिक जाएं। ग्रेटेड अदरक डाली है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया। सभी ब्रेड की स्लाइस पर 1 बाय 1 चम्मच की सहायता से आलू का मसाला लगा देंगे, पहले 1 पर, फिर 2nd पर और ऐसे ही 3rd पर। तीनों पर आलू का मसाला डाल दिया है, अच्छे से इन्हें दबा देंगे चम्मच से जिससे कि ये बाहर नहीं आए, बीच में ही रहें। काली मिर्च, मेयोनीज का सूखा मसाला, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये आपके पास नहीं है तो। चीज़, तीनों में मैंने चीज़ डाल दिया जो कि बच्चों को बड़ा ही पसंद आएगा और इसे मैंने बाकी 3 से कवर कर दिया है, ऊपर से इन तीनों को कवर कर दिया है। अब उंगली की सहायता से एकदम इसके किनारों पर हमें मैदा से इन्हें बंद कर देना है, चारों ओर से किनारों पर मैदा लगानी है जिससे कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बिखरे नहीं। तो चारों ओर मैदा लगा दी है, तेल हमारा गरम हो चुका है जो कि 4 बड़े चम्मच तेल के लिए थे। अब हम इसमें ब्रेड की स्लाइस डाल देंगे, अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे, जब ये एक साइड से हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए एकदम सुनहरे बनकर तैयार हुए हैं, ऐसे ही 1 बाय 1। अब इन्हें हमने टिश्यू पेपर पर निकाल दिया जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पर आ जाए। तो दोनों साइड से ऐसे ही हमने इन्हें सुनहरा सेका है, ऐसे ही अगला, और ऐसे ही 1 बाय 1 सभी ब्रेड की स्लाइस को गोल्डन कर लिया है और इसे मैंने चीज़ के साथ गार्निश किया है। यह मैं एक आपको काट कर दिखाती हूँ कि कितने क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर यह गोल्डन कॉइन रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिससे कि मैं ऐसी ही नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ।